सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग आज से कंटिन्यू करने वाले हैं वन ब्लॉक की ये सीरीज़, जिसमें हमने बहुत सारी एपिक मूवमेंट्स की हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको एंजॉय करिए। और इसमें बहुत सारी एपिक मूवमेंट है, तो इसमें हमने सर्वाइव किया 50 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने माइन करना कंटिन्यू किया और काफ़ी देर तक माइनिंग करते ही रहे। फिर हमने अपने बेस को बड़ा किया। ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। और तभी हमारे लैंड पे एक गऊ माता स्पॉन हो गई, तो हम इनको मार भी नहीं सकते थे, तो हमने इनको इग्नोर किया। और हमने फिर काफ़ी देर तक माइनिंग पे ही फोकस दिया। और हम काफ़ी देर तक माइनिंग ही कर रहे थे। हमें ज़रूरत थी एक बेड की सोने के लिए, काफ़ी रात हो रही थी। जब से हम स्पॉन हुए हमारे वर्ल्ड में दिन ही नहीं हुआ, तो हम काफ़ी देर तक माइनिंग करते रहे। एक बोन ब्लॉक भी आया, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा था कि ये वर्ल्ड करप्टेड है। तब भी हमने माइनिंग कंटिन्यू की और हमने काफ़ी वुड के बेसिक टूल्स बनाए लाइक पिकैक्स। फिर हमने माइनिंग कंटिन्यू की। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद भी हमारे आइलैंड पे सिर्फ स्पॉन ही नहीं हो रही थी, तो हमने आइलैंड को बड़ा, तो हमने अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया और फिर से माइनिंग के काम पे लग गए। फिर डे टू पे हमने फिर से माइनिंग कंटिन्यू की और हमारे वर्ल्ड में एक मशरूम का स्पॉन हो गई थी, तो हमने उससे बहुत सारा खाना लिया और हमने अपना सारा सामान चेस्ट में स्टोर करवा दिया। फिर हमने फिर माइनिंग कंटिन्यू की और काफ़ी देर तक फिर से माइनिंग करते ही रहे। फिर हमारे वर्ल्ड में एक चिकन स्पॉन हो गई थी, तो हमने उसे इग्नोर किया और हमने काफ़ी सारे स्लैब्स बनाए और अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। फिर डे 6 पे हमारा काम ख़त्म हो गया। फिर हमने अपने बेस को एक्सपेंड किया और उस पर वुड स्लैब्स भी लगाए ताकि वो सिक्योर्ड रह सके। और फिर हमने काफ़ी सारे, फिर हमारे पास स्टेयर्स की कमी हो गई, फिर हमने और सारे स्टेयर्स बनाए और फिर से हम अपने काम पे लग गए। तो काफ़ी देर बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। फिर हमने माइनिंग पे ध्यान दिया और हमने काफ़ी देर तक माइनिंग की और हमें एक चेस्ट मिला, जिसमें बहुत अच्छी लूट तो नहीं थी पर हमारे लिए अच्छी लूट थी। हमें एक ब्लास्ट फर्नेस भी मिला था। फिर हमने उसमें आयरन स्मेल्ट किया और हमें उसमें से एक आयरन पिकैक्स भी मिली थी, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ले रहे थे। फिर हमने काफ़ी देर तक माइनिंग की बस एक जॉम्बी भी स्पॉन हुआ और हमने उसे तुरंत मार दिया। स्पाइडर भी स्पॉन हुए, काफ़ी सारे मॉब्स हमारे पास स्पॉन हो रहे थे पर हम उन्हें मार के आगे बढ़े ही जा रहे थे। फिर हमें बहुत सारी एरो और एक लेदर का आर्मर मिला, जो है तो बेकार पर चला हुआ है। फिर हम और आगे बढ़ते ही गए, हमने बहुत सारी माइनिंग की। फिर एक लेदर आर्मर मिला, बेकार था पर चला हुआ था। फिर हमने और माइनिंग शुरू की। फिर हम थोड़ी देर बाद
हमने अपने माइनिंग ब्लॉक के अगल बगल कॉबल स्टोन की बहुत सारे ब्लॉक लगाए, माइनिंग करते ही रहे। फिर हमें एक फॉक्स भी मिली और एक पोलर बियर, जिसे हमें बचाना था तो हमने बोट बना के उसको एक कोने में बैठा दिया। काफ़ी प्यारा पोलर बियर था, पर क्या कर सकते। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की, अपने लिए एक बेड भी बनाया और एक स्केलेटन भी अभी स्पॉन हुए थे, पर उनकी ज़िंदगी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। एक और पोलर बियर को हमने बचाया और इसमें हमें बहुत सारा फालतू सामान भी मिल रहा था, पर क्या करें। फिर हमने अपने बेस को बड़ा किया और तो फिर हम अपने घर के वर्क पे काम करने लगे और हमने बहुत सारा आइलैंड एक्सपेंड किया। ये रही उसकी छोटी सी क्लिप, आप लोग इन्जॉय कीजिए। फिर हमारे आइलैंड का काफ़ी सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब हमें डर्ट ब्लॉक की जरूरत थी, तो हम फिर से डर्ट माइन करने के लिए चले गए। फिर हमने काफ़ी देर तक माइन की और एक वुल्फ स्पॉन हो गया था। हमें डर लगा कि हमारे फॉक्सेस को मार देगी, पर वो एक जगह खड़े थे तो हमने उन्हें टेम कर लिया। फिर हमने काफ़ी देर तक माइनिंग की फिर एक वुल्फ स्पॉन हुआ हमारे आइलैंड पे, तो हमने इसे भी टेम कर लिया। और अच्छी बात यह है कि इसने सिर्फ दो ही बोन लिया, तो हमने इसे टेम किया और आगे माइनिंग कंटिन्यू की। माइन कर ही रहे थे कि एक स्केलेटन भैया और पोलर भैया स्पॉन हो गए और पोलर भैया ने स्केलेटन भैया की जान ले ली। और फिर हम माइनिंग कंटिन्यू किए, काफ़ी देर तक माइनिंग करते ही रहे। हम माइन कर ही रहे थे कि हमें फिर से स्केलेटन भैया ने दर्शन दिए और हमने उनकी जान ले ली। जान नहीं कह सकते, उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया। फिर हमारा डिजर्ट वेव स्टार्ट हो गया और हमने काफ़ी देर तक जॉम्बी भैया से लड़ते रहे। जॉम्बी भैया से लड़ते लड़ते फिर एक जॉम्बी भैया आ गए। उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने सिर्फ अपनी जली हुई मांस दी, जिसे हम खा भी नहीं सकते। फिर हम और माइन करने लगे और गलती से हमारा एक फटका पोलर बियर भैया को लग सकता था, तो हमने उनसे दूरी बनाई। फिर हमें TNT मिला, पर हमारे इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं था, तो हमने स्पेस बनाई। फिर माइनिंग कंटिन्यू की, काफ़ी देर तक माइन करते ही रहे। कैक्टस भी मिला, उसको भी लिया। फिर हमें एक चेस्ट मिली जिसमें हमें बहुत अच्छी लूट मिली, हमें बोन। हमने अपना सारा लूट कलेक्ट किया और सो गए। फिर अगले दिन हमने अपने डॉगी भैया को टेम करने की कोशिश की। हमारे पास 17 बोन थे, लेकिन वो एक ही बोन में टेम हो गए, काफ़ी भूखे थे। फिर हम फॉक्स भैया को टेम करने गए। हमें पता ही नहीं था फॉक्स भैया क्या खाते हैं। हम उन्हें आलू खिलाने लगे, पर वो आलू खा ही नहीं रहे थे। फिर हमने उन्हें बेरीज खिलाने की कोशिश की,
फिर हम गए बेरीज लाने, पर वो बेरीज भी नहीं खा रहे थे और वो अंदर भाग गए और पोलर बियर ने उनकी जान ले ली। फिर गलती से हमारा एक फटका पोलर बियर को लग गया और पोलर बियर ने हमारी जान ले ली। फिर हम अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने लगे, उसके बगल बगल हमने कॉबल स्टोन लगाई और कुछ देर बाद हमारा काम ख़त्म भी हो गया और अब आइलैंड दिखने में और अच्छा लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे और फिर रात हो रही थी तो हम फिर सोने चले गए और फिर दूसरे दिन हमने काम शुरू। फिर हमने एक ट्री फार्म बनाने का सोचा और हम मटेरियल इकट्ठा करने लगे। फिर काफ़ी देर तक हमने माइनिंग ही की और ये रही उसकी छोटी सी थी। फिर हमने अपना सारा सामान चेस्ट में स्टोर किया और कुछ बेसिक मटेरियल ही लिए। हमारा इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा भर गया था तो हमने उसे सॉर्ट आउट किया और फिर हम माइनिंग पे चले गए। फिर हमारे आइलैंड पे एक ट्रेडर भैया भी स्पॉन हुए थे। फिर हम ट्रेडर भैया की ट्रेडिंग देखने गए और इनकी ट्रेडिंग भी इनके जैसी है, बिल्कुल बकवास। हमने इनको इग्नोर करके ट्री फार्म बनाने का काम शुरू किया। फिर बहुत देर तक हम ट्री फार्म बनाने का काम करते रहे। ये रहे उसकी छोटी सी क्लिप, आप लोग इन्जॉय कीजिए। हमारा ट्री फार्म बन के तैयार हो गया था। फिर हमने एक्स बनाई और काफ़ी देर तक अपने ट्रीज़ को काटते ही रहे, बहुत सारी ट्रीज़ काटते ही रहे, बहुत सारी वुड हमारे पास इकट्ठा हो गई थी। फिर हम और ज़्यादा वुड लगाते रहे और काटते ही रहे। काफ़ी देर तक काटने पीटने के बाद अब हम अपने घर को बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी देर हमें घर को बनाने में लगता है, यह हमारे 24 घंटे की मेहनत है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए इसकी छोटी सी क्लिप। Up at this girl like, let me get my words right, cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting OC like I just tried. Hey, shorty the school to my rockin', I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof, just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and you take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? हमारा घर बन चुका था तो अब हमें ज़रूरत थी सजाने के लिए आयरन आर्मर की, तो हम बहुत देर तक माइन करते रहे और हमें बहुत सारा आयरन और गोल्ड भी मिला। और आयरन और गोल्ड का यूज़ आपको बाद में पता चलेगा, आयरन आर्मर हम डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। फिर हमने आयरन स्मेल्ट किया और आयरन से आर्मर बनाए और अब हमारा घर पूरा तैयार भी हो चुका था। ये देखिए उसका थोड़ा